दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन की जो होम स्क्रीन होती है, जब आप अपने फ़ोन को लॉक कर देते हो तो उसके बाद आपका जो भी क्लॉक होता है, जो भी आपके फ़ोन में जो लगा होता है, जो घड़ी होता है, उसमें खाली टाइम दिखता है, ठीक है। उसके नीचे डेट और मंथ है, इस तरीके से लिख के आता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो कि आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वहाँ पर आप अपना नाम कैसे शो कर सकते हो। मतलब अगर आपका फ़ोन लॉक रहेगा, अगर कोई बंदा अगर आपका लॉक नहीं खोल पा रहा है, तो आपका नाम और नंबर रहेगा तो वो आपसे कॉल करके कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, मतलब पूछ सकता है आपसे। और या फिर आप मतलब कि एक मतलब स्वैग के जरिए भी आप अपना जो कि ये लगा सकते हो, आप अपना नाम वगैरह लगा सकते हो, या फिर आप इसमें नंबर अपना दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई बंदा खोलने की कोशिश करेगा तो वो खोल नहीं पाएगा, लॉक तो आपका कॉल कर सकता है, ठीक है। या फिर आप वहाँ पर अपना नाम दे सकते हो, मतलब ये आप नाम कैसे दोगे और अपना नंबर कैसे दोगे, तो वही आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। और वहाँ पर जो है कि आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने होम स्क्रीन पर नाम और अपना नंबर कैसे दे सकते हो। अगर आप ये अपना नाम और नंबर देते हो, अगर आपका फ़ोन खो भी जाता है, अगर किसी बंदे को मिलता है, अगर वो नेक बंदा होता है, अच्छा बंदा होगा, तो आपको ज़रूर कॉल करके आपको जो है कि आपका फ़ोन वापस कर देगा। क्योंकि अगर आपका वहाँ पर नंबर रहेगा तो आप नंबर जरूर ये लगा के रखिएगा, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है तो वो बंदा आपको दे सके, अगर किसी को मिला है, अगर वो नेक बंदा होगा तो। क्योंकि ये अगर आप सेटिंग करके रखोगे तो ये पता नहीं कब काम आ जाए, आपको ये पता नहीं कि आपका फ़ोन कब खो जाए या कब चोरी हो जाए, कोई बता नहीं सकता, ठीक है। तो इसे ज़रूर आप अपने फ़ोन में एक्टिवेट करके रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है कि अपने लॉक स्क्रीन पे अपना नाम और अपना नंबर कैसे शो कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपने सेटिंग पे आ जाना है। अपने फ़ोन की सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपको ये ढूंढ लेना है, यहाँ पे देखेंगे लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इसमें आ जाना है। उसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे इन्फो एंड ऐप शॉर्टकट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ओनर इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करके अपना जो भी इन्फॉर्मेशन डालना चाहो वो डाल सकते हो। यहाँ पर आपको टेक्स्ट की लिमिट नहीं है कि आप इतने टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर अपना नंबर, अपना एड्रेस, जो भी डालना है सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो कि लोग अपना नाम डालेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं नाम डाल देता हूँ और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना डाल दिया और उसके बाद जैसे मैं अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है वो लॉक करूँगा, उसके बाद जो है कि आप देखेगा तो अभी मेरा जो नाम और नंबर है वो शो करेगा मेरे होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे। तो जैसे कि आपने अभी देख लिया, जैसे मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन जो है लॉक करता हूँ तो उसके बाद वहाँ पर नाम और मेरा नंबर शो हो जाता है। तो इसी तरीके से आप अपना नाम या किसी और का नाम, जिसका भी कुछ भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना कि आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।